सत्य प्रेम की कथा एक ऐसी कहानी है आज के टाइम के हिसाब से जिसको ऐसे रिव्यूज मिल रहे हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं तरसती हैं। ना सिर्फ रिव्यूज बल्कि आज है डे नंबर वन और डे नंबर वन की कलेक्शन फर्स्ट डे कलेक्शन प्रिडिक्शन आ चुकी है, अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। मैं आपको बता दूं अभी तक मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जिस तरह के मैं रिव्यूज देख रही हूँ, सोशल मीडिया पर देख रही हूँ और वर्ड ऑफ माउथ, स्ट्रांग वर्ड ऑफ माउथ सुन रही हूँ, उसके चलते मुझे लगता है कि मुझे भी ये फिल्म जल्दी ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स एक फिल्म के बारे में जो कि एक लव स्टोरी जैसा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड जॉनर है, ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, कितनी ही फिल्में हैं लव स्टोरीज़ के ऊपर, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्रेज हो रहा है वो इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले का हो रहा है और साथ साथ में एक्टर्स की एक्टिंग का हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये फिल्म एक्चुअली है कैसी। मेरा रिव्यू जो है अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कलेक्शंस जो हैं सत्य प्रेम की कथा की मैं आपको कलेक्शंस, एडवांस बुकिंग सब चीज़ों से अपडेटेड रखूंगी। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं अभी डे वन कलेक्शन ऑफ सत्य प्रेम की कथा, साथ साथ में बात करेंगे ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और शो काउंट्स की भी। तो वीडियो को इंतजार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की, जो कि सुबह 10% थी, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वॉज ओनली 10%, बट आफ्टरनून वर्ड ऑफ माउथ बढ़े हुए के चलते 17% तक पहुंच गई। उसके बाद इवनिंग ऑक्यूपेंसी इज 22% और मुझे लगता है इस फिल्म की नाइट ऑक्यूपेंसी जो है ये आराम से 30% तक जा सकती है, क्योंकि मुझ जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा फिल्म का और वो रिव्यूज़ की वेट कर रहे थे। तो आई मीन सीरियसली मुझे लगता है 30% तक इसकी नाइट ऑक्यूपेंसी आराम से जा सकती है। छुट्टी का वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड सत्य प्रेम की कथा के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ बात करें शहरों की ऑक्यूपेंसी की, तो मुंबई में 17% ऑक्यूपेंसी 923 शोज, दिल्ली एनसीआर 18% ऑक्यूपेंसी 880 शोज, पुणे 12% ऑक्यूपेंसी 338 शोज, बैंगलोर 25% ऑक्यूपेंसी 216 शोज, हैदराबाद 17% ऑक्यूपेंसी 216 शोज, कोलकाता 13% ऑक्यूपेंसी 257 शोज, अहमदाबाद अगेन 13% ऑक्यूपेंसी 398 शोज। अच्छे खासे शो काउंट्स हैं अहमदाबाद में, क्योंकि ये कुछ गुजराती वाला फैमिली वाला भी दिखाया गया है, थोड़ा सा चक्कर इसमें। चेन्नई में सुनिए 42% ऑक्यूपेंसी 54 शोज पे, सूरत 7% ऑक्यूपेंसी 228 शोज, जयपुर 22% ऑक्यूपेंसी 178 शोज, चंडीगढ़ 17% ऑक्यूपेंसी 77 शोज, भोपाल 12% ऑक्यूपेंसी 91 शोज, लखनऊ 15% ऑक्यूपेंसी एंड 220 शोज। इसी के साथ इस फिल्म के शो काउंट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया, 8700 शोज पर ये फिल्म चल रही है। आज सुबह मैंने बताया था आपको कि ये शो काउंट्स जो हैं बड़े बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आ रहा है इस फिल्म का, मुझे लगता है ओवर द वीकेंड ये शो काउंट्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ डे नंबर वन ऑफ सत्य प्रेम की कथा, द कलेक्शन फॉर डे नंबर वन इज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग 8.5 करोड़ एंड इट कैन इंक्रीज ड्यूरिंग द नाइट। जी हां, अभी इसमें नाइट डेटा एडेड नहीं है। मुझे लगता है, मैंने सुबह ही आपसे प्रेडिक्ट कर दिया था, 10 करोड़ की ओपनिंग इस फिल्म को लग सकती है, पहले दिन की डे वन की ओपनिंग इस फिल्म को लग सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लो कि ड्यूरिंग दिस एंटायर वीकेंड ये फिल्म आराम से 30-35 करोड़ कमा जाएगी, इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर कि आफ्टर अ लॉन्ग वाइल एक बहुत मिड बजट पे बनी हुई फिल्म जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दिखा रही है, पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें कोई सोशल मैसेज भी है, वेल जब मैं देखूंगी मैं तभी बता सकती हूँ इस बारे में। तो लेकिन हाँ, गुड वाइब्स ओनली। आई थिंक दिस विल बी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर, जो जिसको कह सकते हैं रोम कॉम वाले जॉनर में, रोमांटिक ड्रामा जॉनर में, ये एक साल, इस साल की 2023 की आफ्टर तू झूठी मैं मक्कार, मुझे लगता है ये फिल्म, दिस मूवी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। देखते हैं आगे क्या होता है। कल है डे नंबर टू, कल है फ्राइडे और कई जगहों पर छुट्टी है कल के दिन, तो कल क्या एडवांस बुकिंग आती है वो सुबह की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।